रात में सोते हुए लोगों के बाल काटने वाली चुड़ैल का वायरल सच। देश को झूठ से बचाने वाले शो वायरल सच में आपका स्वागत है। वायरल सच में बात एक ऐसे दावे की जो सुनने में तो अफवाह लगती है, लेकिन जब सबूतों के साथ दावा पेश किया जाता है तो लोग हैरान रह जाते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही कुछ तस्वीरों ने हड़कंप मचा दिया है। दावा यह कि राजस्थान के गांवों में देर रात कोई आता है और बाल काट कर भाग जाता है। लोग चर्चा कर रहे हैं कि चुड़ैल बाल काट रही है। विज्ञान के युग में ऐसी चर्चा भी हैरान करती है, लेकिन अगर चर्चा हो रही है तो उसका सच भी सामने आना चाहिए। आइए देखते हैं। कटी हुई चोटी, कटे हुए बाल, कान से निकलता खून, पीठ पर चोट के निशान और पेट पर त्रिशूल की छाप, ये वो तस्वीरें हैं जो पेश तो राजस्थान के नाम पर की जा रही हैं, लेकिन देश के कोने कोने तक फैल चुकी हैं। दावा है कि राजस्थान के कुछ गांवों में एक चुड़ैल घूम रही है जो रात के अंधेरे में आती है और सोते हुए लोगों के बाल काट कर ले जाती है। और ये चर्चा सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं है, राजस्थान के अखबारों की ये कतरनें बता रही हैं कि वहां डर किस कदर फैला है। दावा है कि चुड़ैल अब तक 50 लोगों के साथ ऐसा कर चुकी है। कोई इस पर यकीन कर रहा है तो कोई इसे शरारती तत्वों का काम बता रहा है, लेकिन चर्चा हर जगह है। चर्चा के पीछे ये तस्वीरें हैं जो चुड़ैल के वजूद के तौर पर सोशल मीडिया पर पेश की जा रही है। पहली तस्वीर, महिला के बगल में बैठा व्यक्ति हाथ में बाल लेकर दिखा रहा है। बाल पूरी तरह से नहीं काटे गए हैं, सिर्फ आधे बाल ही काटे गए हैं। लोग पूछ रहे हैं कि इस महिला के बाल किसने काटे। दूसरी तस्वीर, एक महिला अपने पांव पर बना त्रिशूल का निशान दिखा रही है। दावा है कि बाल काटने वाली चुड़ैल ने त्रिशूल का निशान बनाया है। तीसरी तस्वीर, गुलाबी रंग के घूंघट से बाहर आधी कटी हुई चोटी दिखाई दे रही है। चौथी तस्वीर, छोटे बच्चे के सिर के बीच से बाल गायब हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने बड़ी सावधानी से उतने हिस्से के बाल काटे हैं। क्या वाकई ये काम किसी चुड़ैल का है, जैसा कि सोशल मीडिया में वायरल मैसेज में दावा किया जा रहा है। ऐसी तस्वीरों के साथ एक मैसेज भी है जिसमें लिखा है, राजस्थान के बीकानेर में ये घटना हुई है। बीकानेर की नोखा तहसील में एक चुड़ैल रात में आती है और सो रहे लोगों के बाल काट कर ले जाती है। जिसके साथ ये हादसा होता है उसकी कुछ ही दिनों में मौत हो जाती है। तस्वीरों के अलावा एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जहां कथित चुड़ैल के प्रकोप से बचने के लिए गांव में हवन भी किया जा रहा है। आपको कुछ आवाजें सुनाई दे रही होंगी। दावा है कि वीडियो में जो महिला है उसके बाल काटे गए हैं और पेट पर नाभि के पास त्रिशूल का निशान बना दिया गया है। महिला निशान दिखा भी रही है। आप तस्वीर और वीडियो देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कथित चुड़ैल के बाल काटने और त्रिशूल का निशान लगाने का डर किस कदर हावी है। लेकिन सवाल यह है कि अगर चुड़ैल नहीं है तो रात में बाल कौन काटता है? जब कोई बाल काटता है तो किसी को पता क्यों नहीं चलता? जब पेट या पीठ पर निशान बनाए जाते हैं तो नींद क्यों नहीं खुलती? वायरल तस्वीरों में जो दिख रहा है वही सच है या फिर दावों से उलट इस कथित चुड़ैल की कोई उल्टी ही कहानी है? सच जानने के लिए एबीपी न्यूज की वायरल सच टीम ने पड़ताल शुरू की। हमने दिल्ली से 450 किलोमीटर दूर राजस्थान के बीकानेर से अपनी पड़ताल शुरू की। सच की तह तक पहुंचने के लिए बीकानेर से लगभग 70 किलोमीटर दूर हमें नोखा तहसील पहुंचना था।
कुछ समय बाद हम उस गांव में मौजूद थे जहां चुड़ैल के बाल काटने की घटना का दावा किया जा रहा था। गांव का नाम है हियांदेसर। दावे का सच जानने के लिए हमने गांव वालों को तस्वीरें दिखाई। तस्वीर देखते ही एक सुर में गांव वालों ने बताया कि ये तस्वीरें एक ही परिवार की हैं। जिस महिला के साथ बाल काटने की घटना हुई है उसका नाम उमा और उसके पति का नाम पप्पू है। गांव के बच्चों ने ये तस्वीरें खींचकर व्हाट्सएप पर शेयर की, जिसके बाद ये कहानी वायरल हो गई। लेकिन गांव वालों की गवाही काफी नहीं थी, इसलिए हम पप्पू का पता पूछकर उनके घर के लिए रवाना हो गए। जब हम पप्पू के घर पहुंचे तो वो हमें सीधे अपनी छत पर ले गए। पप्पू के मुताबिक इसी छत पर उस दिन उनकी पत्नी के बाल काटे गए जब वो सो रही थी। ये जगह तो हमारे छत पर था। छत पर सो रहा मैं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे और एक बच्ची थी। ये सब सो गया सो रहा था। 12 बजे तक मैं फोन देख रहा था और फिर बाद में मेरे को नींद आने लगी। मैं फोन बंद करके यहाँ पे मेला था। उस टाइम 12 बजे के बाद में लेके और सुबह उठा था मैं 4 बजे, इसलिए सुबह उठा ना, इसलिए मैं देखा था उस बीवी के हाथ के दोनों हाथ के मतलब है कलर लगा हुआ पीला और बाल कटा हुआ। गाँव में तो एक ही जगह एक दिन रात को एक दो घंटे बैठा था, उसमें लोग जागे उसमें कि वो वापस चला गया। पप्पू घटना के बारे में बता रहे थे लेकिन उनकी पत्नी उमा घर पर नहीं थी। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि अगर हम पप्पू के घर पहुंच गए तो वो औरत उमा कहाँ है जिसके बाल काटे गए और जिसके नाभि के ऊपर त्रिशूल का निशान लगा दिया गया। तो हमें पप्पू ने बताया कि उनकी पत्नी उमा घर पर नहीं है। उमा बच्चों के साथ रिश्तेदार के घर गई थी। हमारा उमा से मिलना जरूरी था तो पता पूछकर हम उनके रिश्तेदार के घर पहुंचे। कुछ देर इंतजार के बाद हमारी मुलाकात उमा से हुई। सुनिए उमा ने पूरी घटना पर क्या कहा। मतलब सुता 12 बजे मैं जागता चित मार की कोई नहीं। 12 बजे बाद मैं नींद आ गई। नींद आया बाद कन्ना काटिया कन्ना कलर लगभग मन कोई ध्यान कौन पड़ियो ना मैं कि नहीं देखियो ना कोई बात मैं सुबह उठी हाथ देखे मैं रात दोनों पीला करूड़ा रात बाद में मैं बात एक अंजा तीन बच्चन हम बढ़िया मुँह लगोड़ो मुँह कर ले भी तो लगोड़ो जन मैं आने लो करियो जन कल मानी कौन बंद मैं चोटी देखी जन चोटी मैं एक चार अंग चोटी काट उड़ी। उमा और पप्पू कह रहे थे कि बाल काटे गए, लेकिन किसने काटे और चुड़ैल की चर्चा कहां से आई ये जानने के लिए हमने दोबारा गांव वालों से बात की। घटना कुछ नहीं है, पहले तो दूसरी जगह की अफवाह सुन रहे थे गांव में। फिर हमारे गांव में एक घटना हुई थी। कोई घटना मतलब गांव में ये कोई चर्चा चला देता जो चर्चा होती है ये मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं, मतलब के अफवाह बना देते हैं। गांव वाले खुद इस बात पर मुहर लगा रहे थे कि बाल काटने की घटना सिर्फ एक घर में हुई थी और अफवाह की शक्ल में पूरे गांव में फैल गई। पहले तो गांव वालों ने चुड़ैल को सच मानकर पहरा देना शुरू किया, लेकिन चुड़ैल जैसा कुछ भी नहीं दिखा, ना ही ऐसी घटना दोबारा किसी के साथ हुई। इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस से बात करना जरूरी था क्योंकि हो सकता है अब भी कोई सिरा छूट रहा हो। सच जानने के लिए हम बीकानेर के नोखा तहसील के पुलिस इंस्पेक्टर जसवीर कुमार के पास पहुंचे। जब हमने उनसे पूछा कि क्या उनके पास ऐसी किसी घटना की जानकारी आई है, सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। पुलिस को भेजा गया तो उन्होंने बताया कि हमारे रात के समय कोई आया था बाल काट लिए और फिर वो अजीब सी बातें बता रहे हैं कि एक आदमी को दिख रहा है दूसरे को नहीं दिख रहा है। इसके अलावा वहाँ आसपास के लोगों से कोई पूछताछ की तो इसमें न तो वहाँ कोई पैरों के निशान थे न किसी आने जाने के, ऐसे कोई वहाँ पे कोई मालूम नहीं थे जिससे ये हो कि वहाँ पे कोई दूसरा शख्स आया है। हमें लिखित परिवाद किसी ने दी नहीं है। हम मौके पे गए हैं, जाँच कर रहे हैं। अगर ऐसी ये संभवते हैं कोई असामाजिक तत्व का काम हो सकता है, जाँच करें। अगर ऐसा कोई पाया गया तो कल उसके खिलाफ कार्रवाई करें। एबीपी न्यूज की पड़ताल में पता चला कि राजस्थान के बीकानेर की नोखा तहसील के हियांदेसर गांव में बाल काटने की घटना हुई थी, लेकिन ऐसा सिर्फ एक परिवार के साथ हुआ है। पूरे गांव में बाल काटने की घटना नहीं हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक घटना के पीछे किसी शरारती तत्व का हाथ हो सकता है। इन तस्वीरों का
चुड़ैल से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हमारी पड़ताल में तस्वीरें तो सच साबित हुई हैं, लेकिन तस्वीरों को लेकर किया जा रहा चुड़ैल वाला दावा झूठा साबित हुआ है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।